दी न्यू म्यूटेंट्स 2017 की बनी हुई पिक्चर रिलीज हुई 2020 के पैंडेमिक में। अब ये पूरी पिक्चर इतना डिले हो चुकी थी कि लोगों को फर्क तक पड़ना बंद हो गया था, बट इतने ज्यादा डिले और फॉक्स और डिज्नी के एक्विजिशन के बाद 28 अगस्त 2020 में ये पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन इंडिया में 30 अक्टूबर को रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद पिक्चर से कुछ ज्यादा उम्मीद अब नहीं रह गई थी, बट एक्चुअली ये पिक्चर बहुत बुरी है, बहुत ही ज्यादा बुरी है। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पिक्चर इतनी ज्यादा बुरी है, और ये भी बताऊंगा कि मेरे को क्यों पसंद आई। ये वीडियो डेडिकेटेडली इस बात को डिफाइन करती है कि मार्वल की दी न्यू म्यूटेंट्स क्यों इतनी क्रिटिकली बुरी परफॉर्म करी, वो भी वर्ल्ड वाइड। और आगे जाने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने हॉरर एंड दी डार्कनेस की। अब देखो, ये बात ऑफिशियल है कि पिक्चर के डायरेक्टर जॉश बून 2017 की इट मूवी से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो इस मूवी के हॉरर एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसके बाद शुरू से ही इस पिक्चर की मार्केटिंग भी एज अ हॉरर सुपर हीरो मूवी के तौर पे की गई थी। इसका पहला ट्रेलर भी 2017 में फ्राइडे द 13th को आया था। पिक्चर के डायरेक्टर ने एंटरटेनमेंट वीकली के इंटरव्यू में भी कहा था कि ये बहुत ही क्रीपी एक्समैन मूवी होने वाली है, वो भी सबसे अलग। पिक्चर एज अ टीन एज सुपर ह्यूमंस पे फोकस होने के नाते पिक्चर का टोन भी उसी के हिसाब से रखा गया था, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स और इट मूवी का टोन है, बट अ लिटिल बिट डार्क। और इन्हीं सब बातों की वजह से पिक्चर ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि पिक्चर में बिल्कुल भी हॉरर नहीं था। पिक्चर का ये स्माइली मैन वाला कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा अजीबोगरीब फील होता है, बट इसके अलावा पिक्चर में डरने लायक कुछ भी नहीं था। इसके पहले ही ट्रेलर के हिसाब से पिक्चर का टोन चेंज हो चुका था, पिक्चर में फन था, इसका म्यूजिक चेंज हो चुका था, इतने बड़े बड़े मेजर सीन्स को ही पिक्चर से डिलीट कर दिया गया। और किसी भी हॉरर मूवी की एक खासियत होती है कि वो टेंशन बिल्ड करती है, और ये मूवी बिल्कुल भी नहीं करती। इन सब बातों के अलावा पिक्चर का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर आता है, डीमन बेयर। ऑनेस्टली तुम भी डरावने नहीं थे, इससे डरावना तो मेरे को ब्रेव का मॉडल लगा। और पिक्चर को पूरी तरीके से क्रिटिकली तौर से फेल करने का मुद्दा यही है, मतलब कि जो हमें प्रॉमिस किया गया था वही नहीं है। अब जस्ट लाइक इसे अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम कॉन्जरिंग मूवी एज अ हॉरर के तौर पे देखने जाते हैं और उसमें हॉरर ही ना हो, तो टेंशन बिल्ड ही ना हो रहा हो, कैरेक्टर्स मूवी में 3 दिन बार मस्ती कर रहे हैं, कोई मर ही नहीं रहा है, तो ऑडियंस किस चीज को देख कर डरेगी? पिक्चर में कैरेक्टर्स भले डर रहे हैं उनके पर्सनल डीमन से, मगर एज एन ऑडियंस हम किस बात से डरे? पिक्चर में डरने लायक एक्चुअली में कुछ था भी नहीं, और जो भी था मूवी में वो भी लगता है डिलीट कर दिया गया। अब अगर आप पहले मूवी देखो फिर उसके बाद ट्रेलर देखो तो आप इजीली डिफरेंस बता दोगे कि क्या क्या है मूवी में और क्या काट दिया गया। इन सब के बाद एक और पॉइंट आता है, अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर्स। मूवी में एक्टर्स की कोई बात नहीं है, काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमने पहले भी इनकी मूवीज और सीरीज में इन्हें देखा भी है, बट जैसे इन्हें और इनके पोटेंशियल पावर और पास्ट को मूवी में यूज किया गया है वो काफी ही डिसअपॉइंटिंग था। हम जब सबसे पहले 2017 में इट मूवी देख रहे थे तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम यही कहानी थी कि बच्चों की पास की वजह से उन्हें डराया जाता है, और एक्चुअली में वो स्क्रीन पर डरावना दिखता भी है, बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी गांड फट जाती है। हर एक बच्चे के डर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्क्रीन पे हॉरिफाइंग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ ऐसा फील होता है कि न्यू म्यूटेंट्स ने इस पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया, और पिक्चर के कुछ कैरेक्टर्स अपने स्टोरी लाइन के साथ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। जैसे कि डॉक्टर रीस, पिक्चर में उसका डर क्या था? कितना प्रभाव डाल दी कहानी में? जब दानी एक ऐसी ही म्यूटेंट है जो आपको आपके डर के बल पे आपको मार सकती है, तो ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। और मैं सीरियसली वेट कर रहा था कि अब तो सबके डर दिखा दिए, अब इसका क्या? अब अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर का एक और भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है अपने क्लाइमैक्स से, जहां रोबर्ट तो ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन टॉर्च बन जाता है, और बनने के बाद वो करता क्या है? लकड़ी के बेंच से मार रहा है जिस बंदे ने अपनी पावर्स से अपनी गर्लफ्रेंड को जला दिया, वो बेंच से मार रहा है। मान लेते हैं कि उसे अभी अपनी पावर्स का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी ये मूवी का क्लाइमैक्स था, अपने पावर्स के बल पे क्लाइमैक्स में जान ला सकता था, आग लगा सकता था, और कोई नहीं, इसे ही कहते हैं अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर्स। इलियाना का कैरेक्टर मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा मूवी में, मगर तौबा यार कितनी खूबसूरत है। खैर, इसका अपीयरेंस मूवी में जान ला रहा था, मगर रेन, सैम, डानी, रोबर्टो, डॉक्टर रीस, इन सबका पिक्चर में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मे बी हो सकता है जो क्लाइमैक्स से पहले प्री क्लाइमैटिक फाइट होती है, वहां सारे म्यूटेंट्स इकट्ठा होकर अपने डर से और डॉक्टर रीस से लड़े, और डॉक्टर रीस की डेथ पिक्चर में तब काफी इम्पैक्ट डाल सकती थी। और अगर कायदे से फोकस करें तो इस कैरेक्टर के बारे में हमें पहले से जानने को भी मिला, और इसका डेथ पिक्चर में काफी इम्पैक्ट डाल सकता था कि डानी के सपने और उसके डर एक्चुअली में कितने हॉरिफाइंग होते हैं। ये नहीं कि बस डीमन बेयर ने आके खा लिया और इनकी कहानी वहीं खत्म। पिक्चर की डेथ्स की बात कर ही रहे हैं तो जेम्स गन की मूवीज देख लो, या फिर उनकी प्रोड्यूस की गई ब्राइट बर्न देख लो, पिक्चर के डेथ्स इंपैक्ट डालते हैं पिक्चर में, चाहे वो किसी की भी डेथ हो। पिक्चर अपने कैरेक्टर्स के साथ और भी इंपैक्ट डाल सकती थी, मगर किसी कारणवश डाल ना सकी। अब वो पिक्चर की राइटिंग में कमी थी, या डिलीटेड सीन्स की, या फिर रीशूट्स के बाद इसे अल्टर कर दिया गया, वो नहीं पता। मगर ओवरऑल पिक्चर में इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद, इतने ग्रेट एक्टर्स होने के बावजूद, हॉरिफाइंग पास्ट होने के बावजूद, इतनी पावर्स होने के बावजूद, इनके पोटेंशियल को मूवी में अंडर यूटिलाइज ही रहने दिया।
और इन सब बातों के बाद एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट आता है पिक्चर की एंडिंग। मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही एवरेज सा था, बहुत ही कोई ग्रेट नहीं था उसके बारे में, मगर क्लाइमेक्स के बाद मूवी की एंडिंग थोड़ी सी रूखी सी थी। सारे कैरेक्टर्स फैसिलिटी से बाहर निकल रहे हैं और मूवी वहीं खत्म। और अगर आप बाकी किसी और हॉरर मूवीज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी यही होता है कि हॉन्टेड प्लेस या फिर हॉरिफाइंग जगह को छोड़ने के बाद ठीक वहीं पे पिक्चर खत्म हो जाती है। और मे भी शायद इसमें भी वो वाली फीलिंग लाने की कोशिश की गई होगी, बट जैसे हमने पहले ही चर्चा कर ली कि ये कोई हॉरर मूवी की तरह थी ही नहीं, ये एक बेसिक सी सुपर हीरो एक्समैन मूवी की तरह लग रही थी। अब अगर ये पिक्चर अपने हॉरर एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस की होती तो इसकी यह वाली एंडिंग काम कर सकती थी, मगर यहाँ ये वाली एंडिंग कोई एंडिंग की तरह लगी नहीं रही थी। अब ये जो सारी बातें हो गई कि पिक्चर क्यों बुरी थी, और बाय द वे मेरे को ये पिक्चर क्यों पसंद आई, क्योंकि ये पिक्चर इतना डिले हो चुकी थी कि मैं टोटली भूल चुका था कि ये पिक्चर एक हॉरर फैंटेसी सुपर हीरो मूवी है। अगर पिक्चर देखने से पहले मेरे को थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन होता है या फिर किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन होता कि पिक्चर हॉरर या फिर उससे कुछ रिलेटेड होने वाला है तो मैं इससे बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड होता। बट इतने डिले होने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी लो हो चुकी थी कि मैं इसे बस एज अ सुपर हीरो जॉनर की मूवी की तरह देख रहा था और कुछ अलग नहीं। और बस सिर्फ इसी के बेसिस पे मेरे को मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी, बस अच्छी लगी। और मैं बेसिकली बोलूं तो मैं भूल चुका था कि पिक्चर हॉरर होने वाली है। बाय द वे आपका क्या कहना है, क्या पिक्चर देखते समय आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशन थे जो पिक्चर पूरी तरीके से पूरी ना कर पाई, या फिर आप भी मेरी तरह सुपर लो एक्सपेक्टेशन के साथ पिक्चर देखने गए थे? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बात है कि फॉक्स और डिज्नी के एक्विजिशन के बाद पिक्चर को काफी ज्यादा अल्टर किया गया। पिक्चर में यहाँ तक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जो कि उसे भी डिलीट कर दिया गया। मेरे को बाद में ऐसे फील हुआ कि एज अ हॉरर जॉनर मूवी होने के नाते इसमें काफी सारे हैप्पी मोमेंट्स थे जो कि मेरे ख्याल से एक्विजिशन के बाद रीशूट्स की वजह से इसे ऐड किया गया होगा। मे भी शायद इसका डायरेक्टर्स कट एग्जिस्ट करता हो, मगर तब तक के लिए हम वेट ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ओपिनियंस हमें जरूर बताइएगा कि पिक्चर ने आपको कैसा फील कराया, वो भी किस एक्सपेक्टेशन के साथ। और इन सब बातों के बाद अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।